क्या आप जानते हैं सैंडबैग भी एक फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। अश्विन शाह फ्रॉम स्वस्तिक ऑर्थोप्रेशन स्प्रिंट। जब भी कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को सैंडबैग घर पे ले जाकर एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है, 100 में से 60 पेशेंट सैंडबैग ले तो जाते हैं लेकिन उससे रेगुलरली एक्सरसाइज करते नहीं है। और इसका रीजन यह है कि ज्यादातर पेशेंट इसके लॉजिक को समझते नहीं है। सैंडबैग पहनने के बाद चाहे वो आप अपर लिम में पहनो या लोअर लिम यानी कि हाथ पर पहनो या पैर में पहनो, जब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है हाथ पे पहनकर हाथ लटका कर आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, तो इसका रीजन ये होता है कि एक खिंचाव महसूस होता है इसके वजन के कारण, जिससे दो हड्डियों के बीच में जो माइक्रो कैपिलरी में जो नसें होती है वो खुलने का चांस बढ़ता है। मिली माइक्रोन में स्पेस बनती है और इसके कारण ये नसें खुल जाती है और इसी रीजन से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपको आपके रोग में बेनिफिट होता है। वैसे ही पैर में भी उसको पहन कर लटकाने को बोला जाता है या उसको चलने के लिए बोला जाता है, उसके पीछे भी ऐसा ही लॉजिक है। कभी कभी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो जब भी सैंडबैग डॉक्टर बोले तब उसका लॉजिक समझ लीजिए और इस लॉजिक समझने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे बोर नहीं होंगे। 100% आप इसको डॉक्टर के बताए गए रास्तों को फॉलो करेंगे और इसका सही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हम लोग जो स्वस्तिक ऑर्थोप्रेशन स्प्रिंट में सैंडबैग बनाते हैं उसमें 500 ग्राम से लेकर 3 किलोग्राम तक की सैंडबैग बनाते हैं, जो कि अंदर जो सैंड भरते हैं वो बाकी लोग क्या करते हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग उस सैंड भरने के लिए एक माइक्रो फिल्टर रखते हैं, जिससे जो माइक्रो सैंड्स है जो कि अस्थमा के लिए कभी कभी पेशेंटों को नुकसान करता है वो हम उसमें से रिमूव करने के बाद इसमें सैंड भरते हैं। इस तरह से सैंडबैग हम लोग तैयार करते हैं और इसका जो कपड़ा है वो स्किन को टच अच्छा दे इस तरह का रखते हैं, जिससे लंबे समय तक पेशेंट इसको पहन सके। इसका ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा रहता है क्योंकि जींस मटेरियल का यूज़ करते हैं इससे बना हुआ होता है। थैंक यू बॉस।